काशी से है, जहां कोर्ट की तारीख से लौट रहे मामा भांजे पर बाड़क सवार दो लोगों ने फायरिंग कर दी। किसी तरह उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित से घटना की जानकारी ली, लेकिन दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम देकर भाग जाने से लोगों में दहशत का माहौल है। मैं कचहरी से तारीख करके आ रहा था, मेरी भरत यादव वगैरह से मुकदमा चल रहा है, और भरत यादव और भगवान सिंह उनका साड़ू और वीरेंद्र यादव, इन लोगों ने कुछ लोगों को लुवाए हुए थे, सर मुंह बांधे हुए थे, उनसे हम शनाख्त करा रहे थे कचहरी में ये। उसके बाद जब हम लोग तारीख करके यहाँ तारीख हो गई, हम लोग यहाँ पे आए तो यहाँ गाड़ी जैसे बैठने लगे यहाँ रोड पर इस तरफ, तो यहाँ उन लोगों ने पीछे से हम लोगों के ऊपर दो लोगों ने फायर किया कट्टे से, तो दोनों कट्टे मिस हो गए। हमें कट्टे की आवाज़ आई, कट्टे की तो भांजे ने देखा, भांजे ने मिस कहा जी गोली चला रहा है अपने ऊपर। तो हम लोग हैं सुबोध लगदारी साहब के बंगले में भाग गए अंदर, तो उन्होंने वहाँ तक हमारा पीछे किया, वहाँ कैमरे में उन लोगों ने वो कट्टा लेके पीछे भागते हुए गए, तो उन कैमरे में वो लोग कैद हैं, कैमरे में उनकी सब जानकारी सारी जानकारी सीधी डर गाड़ी से घूम के कचहरी चौराहे की तरफ भागे हैं वो लोग। सूचना दी आपने एसएसपी को? मैंने सूचना दे दी एसएसपी के, यहाँ भरत यादव वीरेंद्र यादव गाय भैंस बांधे हैं और हम लोगों का बहुत उत्पीड़न कर रहे हैं वो, हमें धमकी देते हजारी के रहने वाले हैं वो, और वो लोग अभी अभी वहाँ से देख रहे हैं, दूर चौराहे से आके वहाँ देख रहा था वहाँ से।